नमस्कार एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बारे में। देश भर में कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट देखने को मिल रहा है और इस वेरिएंट का नाम है डेल्टा प्लस वेरिएंट। ये वेरिएंट चिंताजनक है और जो वैज्ञानिक और विशेषज्ञ कह रहे हैं उनके अनुसार ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि कोरोना की तीसरी लहर देश भर में देखने को मिले। अगर हम बात करें कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के ऊपर ये वैक्सीन कितनी प्रभावी है, तो मामला राजस्थान के बीकानेर का है। बीकानेर में राजस्थान का पहला डेल्टा प्लस का वेरिएंट का मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ यह वेरिएंट मिला है उस महिला ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली थी, इसके साथ ही वे कोरोना से रिकवर भी हो चुकी है और उसके बावजूद उस महिला को कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट हो गया। ऐसे में ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो कोरोना की वैक्सीन हमें लग रही है ये प्रभावी तो है लेकिन थोड़ी कम प्रभावी है, यानी कि वो जो संक्रमण आपको होगा अगर आप पहली या दूसरी डोज लगवा लेते हैं तो ऐसे में संक्रमण ज़्यादा प्रभावित आपके शरीर को नहीं करेगा, यानी कि वैक्सीन अच्छी तो रहेगी लेकिन इतनी ज़्यादा प्रभावी नहीं होगी कि पूरी तरीके से डेल्टा प्लस से लड़ सके। वहीं कोरोना की तीसरी लहर के अपडेट की बात करें तो आपको बता दें तीसरी लहर को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल ये राहत भरी खबर है जो कि हमारे सामने आ रही है। कोविड वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा ने कहा है कि जो ICMR ने स्टडी की है उसके अनुसार जो तीसरी लहर है वो देर से आएगी। उन्होंने कहा है कि हमारे पास देश में हर किसी का टीकाकरण करने के लिए 6 से 8 महीने का टाइम है। आने वाले दिनों में हमारा लक्ष्य हर दिन 1 करोड़ खुराक देने का होगा। इस प्रकार से ये बड़ा एक ऐलान किया गया है यहाँ पर डॉक्टर एन के अरोड़ा द्वारा। हो सकता है कि जो तीसरी लहर है वो लेट आए, लेकिन पहले जो वैज्ञानिक कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि जो तीसरी लहर है वो 6 से 8 हफ्ते के अंदर ही आ जाएगी। इसके साथ ही डॉक्टर एन के अरोड़ा ने बताया है कि जाइडस कैडिला वैक्सीन, इस वैक्सीन का ट्रायल 12 से 18 आयु वर्ग के लिए चल रहा था, ये लगभग पूरा हो चुका है। ऐसे में जुलाई के अंत तक या अगस्त में 12 से लेकर 18 वर्ष वाले बच्चों को भी वैक्सीन देनी शुरू कर दी जाएगी। यहाँ पर भी एक अच्छी खबर हमारे सामने आ रही है। तो इस प्रकार से हमने कोरोना की तीसरी लहर के बारे में बात कर दी है। अब एक सवाल जो कि काफी लोगों के मन में उठता है, क्या दोनों वैक्सीन लगवाने के बाद मास्क पहनना जरूरी है? तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ, आप दोनों वैक्सीन लगवा लें उसके बाद भी मास्क अवश्य पहने, क्योंकि मास्क आपको इस बीमारी से बचाता है, वैक्सीन भी बचाता है और मास्क भी, तो ऐसे में डबल सेफ्टी आपके लिए रहेगी। तो ऐसे में मास्क तो आप पहन लीजिएगा क्योंकि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है हो सकता है कि उसके ऊपर वैक्सीन प्रभावी हो, लेकिन अभी तक जो विशेषज्ञों के बयान सामने आ रहे हैं उनसे यही लग रहा है कि 50-50 चांसेज है। हो सकता है आपके वैक्सीन लगवाई हुई है तो आपको डेल्टा प्लस ना हो, हो सकता है कि डेल्टा प्लस हो जाए, यानी कि कुछ भी हो सकता है। अभी तक जैसे ही ज़्यादा मामले सामने आएंगे, सरकार ने यही कहा, तब पता चल पाएगा स्टडी में कि डेल्टा प्लस वेरिएंट पर वैक्सीन काम कर रही है या फिर नहीं। अभी तो सिर्फ एक मामला सामने आया जिसमें ये पता लगाया जा रहा है कि कम वैक्सीन प्रभावी है। इस प्रकार से वीडियो था, आपको पसंद आया है तो अभी लाइक कर दीजिएगा और साथ ही ऐसे वीडियोज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।